हेलो एवरीवन, वेलकम टू जारिया पड्डा चैनल। तो फाइनली हमारी यूजीसी नेट की आंसर की आ गई है। बहुत बच्चों के जब मैसेज आ रहे थे कि मैम हमारी आंसर की कब आएगी, तो फाइनली आपकी जो है आंसर की आ गई है। आज हम बात करेंगे कि हमें आंसर की कैसे चेक करनी है, कैसे अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। तो आज की वीडियो में ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको अपनी क्लास के बारे में जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पर हमारा जो है पेड बैच शुरू हो चुका है 1 जनवरी 2024 से। यहाँ पर आपको कंप्लीट पेपर वन और पेपर टू दोनों मिलेंगे। पेपर टू कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, यूनिट 1 टू 10। और पेपर वन आपको हिंदी लैंग्वेज में, जारिया पड्डा पर काफी अच्छे टीचर है जो आपको पेपर वन हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाने वाले हैं। तो जो आपका कंफ्यूजन रहता है कि पेपर वन हिंदी में कहाँ से पढ़े, तो मुझे लगता है अब आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ में हैंडबुक आप तक पहुंचाई जाएगी और क्रैश कोर्स भी मिलेगा। ठीक है, ये सारा आपको मिलने जा रहा है दोनों पेपर का जियारा पड्डा ऐप पर। तो जियारा पड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जो है ये कोर्स ले लीजिए आप, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। यदि आप ओनली पेपर टू हिंदी का लेना चाहे वो भी अवेलेबल है। देख लीजिएगा कि आपको पेपर वन पेपर टू दोनों का लेना है। बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि ओनली पेपर टू लेना है, तो ओनली पेपर टू भी अवेलेबल है जियारा पड्डा ऐप पर, ले लीजिएगा। और हिंदी कंप्लीट में ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, यूनिट 1 टू 10। ये तो यहाँ पर कोर्स के बारे में जानकारी। साथ ही बता देती हूँ ओनली पेपर वन का भी आप ले सकते हो, ओनली पेपर टू भी, और दोनों पेपर का लेना चाहो दोनों पेपर का भी अवेलेबल है जियारा पड्डा ऐप पर। जाए पर टैप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट है सब पेड ही है, फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। मेरी भी जियारा पड्डा ऐप पर बीच बीच में जो है फ्री क्लास होती रहती है। तो आप बिल्कुल जो है जियारा पड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पेड बैच तो चलते ही है, साथ में आपको फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, ये जियारा पड्डा चैनल का जो है यहाँ पर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास के आपको जानकारी मिल जाती है, सभी क्लास के जो है लिंक वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी क्लास में जुड़ने के लिए। तो आप ये जियारा पड्डा ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये तो यहाँ पर मेरी पेड क्लास की जानकारी। जियारा पड्डा ऐप पर चल रहा है हमारा पेड बैच, ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग भी। साथ ही यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, जियारा पड्डा हिंदी मीडियम पर, रात को मेरी 8 बजे फ्री क्लास चल रही है, डेली ये क्लास हो रही है। तो इसमें आप जुड़ जाइएगा, रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। ये तो ही बात हमारी क्लास के बारे में। अब चलते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है, आंसर की के बारे में। तो देखो कल जो है 3 जनवरी थी, 3 जनवरी को ये नोटिस आया था। इसमें बस यही है, ज्यादा जो मेन मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो है आंसर की आ गई है, उसे चैलेंज करने के लिए आपके पास टाइम है 5 जनवरी रात 11:50 तक का टाइम है। यानी 3 जनवरी तो जा चुकी है, आज और कल 4 जनवरी और 5 जनवरी, 2 दिन का आपके पास टाइम है। तो अपने आंसर की चेक कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हमें इस पर क्लेम करना चाहिए उस पर क्लेम कर दीजिए। टाइम कम है तो जल्दी अपने आंसर की चेक कर उस पर क्लेम कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 दिन का आपके पास टाइम है। अब चलते हैं कि आंसर की हमें कैसे चेक करनी है, मेन सवाल ये है। तो देखो जब आप एनटीए की वेबसाइट पर जाओगे आपको ये पेज मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, DOV फिल करनी है, और यहाँ पर ये नंबर ही डाल देनी है और सबमिट करना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है अपने आंसर की डाउनलोड करने के लिए। लिंक आपको जो है आंसर की का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो सीधा आपके सामने ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर DOV डालनी है। ठीक है, तो जब आप इस पर सबमिट करोगे, सबमिट के बाद आपके पास ऐसा पेज जो है खुलकर आ जाएगा। ये एक स्टूडेंट की आईडी है, मैंने उनसे ली थी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको आंसर की पर क्लिक करना है। जब आप आंसर की पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर व्यू आंसर शीट व्यू लिखा होगा। यहाँ पर यदि आप इस व्यू पर क्लिक करोगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ओपन हो जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर पर। तो आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। और आपको यदि आंसर की देखनी है, आंसर की चैलेंज करनी है, तो चैलेंज वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी जो है हमारी आंसर की ओपन हो जाएगी। ठीक है, नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाओगे, यहाँ पर 6 नंबर तक की आप देख रहे हो, नीचे आप स्क्रॉल करते जाओगे पूरी आंसर की आपको दिखती चली जाएगी। ठीक है, ये तो बात हुई हमें आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है। यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन आईडी आपकी ये रही, ऑप्शन आंसर लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है इस आईडी का। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सारी जानकारी है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि हमें आंसर की को चेक कैसे करना है। हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पर रखा हुआ है मैंने, क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको बताया, व्यू पर क्लिक करोगे क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आंसर की रखी हुई है, इस क्वेश्चन के आंसर की रखी हुई है, ताकि आपको ये समझा पाओ कि क्वेश्चन हमें कैसे चेक करना है। क्वेश्चन है हमारा, बाबा साहेब अंबेडकर के PhD उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, कौन से विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी PhD की उपाधि। ऑप्शन वन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन टू कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन थ्री मुंबई विश्वविद्यालय, ऑप्शन फोर कोलकाता विश्वविद्यालय। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हमें कैसे पता चलेगा इसका आंसर क्या सही है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी लिखी हुई है ना, तो ये क्वेश्चन आईडी जो है आपको मैच करनी है। यहाँ पर देखो ये रही क्वेश्चन आईडी, इसमें लिखा हुआ है आंसर दो। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय। चेक कर लीजिए 8782702976, ये क्वेश्चन आईडी ये रही। क्वेश्चन आईडी से ही आपको अपने आंसर मैच करने हैं। नंबरिंग देखो मैच नहीं हो रही है, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है 51, यहाँ पर लिखा है 64। ठीक है, तो इस नंबरिंग पर मत जाइएगा, क्या करना है आपको क्वेश्चन आईडी से अपने आंसर चेक करने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये तो ही हमें क्वेश्चन आईडी कैसे चेक करनी है। एक चीज और बता देती हूँ, जो आप वहां पर पेपर में जवाब लगा कर आए हो वो आपको यहाँ पर मिलेगा लिखा हुआ है। जैसे जिन बच्चे का ये पेपर है वे ऑप्शन वन लगा कर आए थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या सही है, ऑप्शन दो। ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी मैच कीजिएगा, क्वेश्चन आईडी चेक कर आंसर देख लीजिएगा, सब आंसर लिखे हुए हैं, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी है सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आपको जो अपने क्वेश्चन चेक कर लेना है क्वेश्चन आईडी से, ये चेक करने पड़ेंगे आपको। नंबरिंग इस नंबरिंग पर मत जाइएगा, जो क्वेश्चन की नंबरिंग है और जो आंसर की नंबरिंग है, यहाँ पर जो आंसर की आती है वो क्वेश्चन आईडी के अनुसार आती है, उसी के अनुसार हमें मैच करना होता है। और आप ज्यादा परेशान मत होइए, 1-2 दिन का टाइम दीजिए, यहाँ पर मैं कंप्लीट जो आपको क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट सोल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आईडी हमें जो कहते हैं आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है, ये आपको पता चल गया। एप्लीकेशन नंबर DOB डालकर सबमिट कर दीजिएगा, ये पेज आपके सामने ओपन होगा। आंसर की पर जाइएगा, व्यू पर क्लिक करोगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर जो है निकल कर सामने आ जाएगा, जो आप वहां पर लगा कर आए आंसर उसके साथ में। ठीक है, चैलेंज पर करोगे तो आपको आंसर की मिल जाएगी, कंप्लीट यहाँ पर आंसर की है। नीचे स्क्रोल करोगे तो कंप्लीट आपको आंसर की मिल जाएगी। यहीं पर आप क्लेम करने का भी ऑप्शन है, जो आपको लगता है जिस क्वेश्चन में क्लेम करना है उस पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन आईडी बराबर में ये जो है, जो आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन वन सही है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर फिर जो आपको सोर्स देने होंगे कि आपको कहाँ पे मतलब कोई फाइल किसी बुक का नाम, और जो आप क्लेम करोगे ना वो बुक बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर उधर कहीं से भी आपने जो है लगाकर इसमें अपलोड कर दिया, नहीं। एग्जामिनर जो है NTA जब ही मानेगा जब वो ऑथेंटिक होगा, तो ध्यान रखिएगा जो भी आपके सोर्स हो क्लेम करने के वे बिल्कुल ऑथेंटिक हो। तो यहाँ पर जो है आप फाइल लगा दीजिएगा PDF बनाकर उस पेज की, जो भी आपको क्लेम करना है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड रिव्यू क्लेम कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह आप अपनी आंसर की चैलेंज कर सकते हो। साथ ही हमें कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझा दिया। अब भी कोई परेशानी है तो परेशान मत होइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिप्लाई में मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको अपने आंसर की चेक करनी है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी आंसर की। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारी पेड क्लास शुरू हो गई है, तो आप जल्दी से जो है पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए। पेपर वन और पेपर टू कंप्लीट आपको पढ़ाया जा रहा है जून 2024 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, हैंडबुक आप तक पहुंचाई जाएगी, एग्जाम टाइम पर आपको क्रैश कोर्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट पैकेज है यहाँ पर, बिल्कुल जो है आज ही आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जियारा पड्डा ऐप जो है डाउनलोड करना होगा, वहीं पर हमारी जो है पेड क्लास चल रही है। यदि आप ओनली पेपर टू का लेना चाहें मेरे सब्जेक्ट का, यहाँ पर मैं आपको यूनिट 1 से 10 बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाने वाली हूँ, तो इस बैच में जुड़ जाइएगा, आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारा बैच जो है शुरू हो गया है, तो आप लोग लेट मत कीजिए, जल्दी जल्दी जो है ये बैच जो है ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही मैंने आपको बताया कि रात को 8 बजे जियारा पड्डा हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, 8 बजे डेली रात को क्लास हो रही है, ये क्लास बिल्कुल फ्री है, तो इसमें जुड़ जाइएगा।
साथ ही हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको सभी क्लास की जानकारी मिल जाती है। तो मुझे लगता है अब आपको कोई आंसर की को लेकर कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि है तो मैंने आपको बताया, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिप्लाई में आपको जवाब मिल जाएगा। और आपको कैसी लगी क्लास बता दीजिएगा, यूजफुल लगी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिन्हें भी ये परेशानी आ रही है कि आंसर की कैसे चेक करें, तो एक बार वो ये वीडियो देख लेंगे तो उनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।